तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रिलायंस जियो 4G का स्पीड, डाउनलोड स्पीड, अपलोडिंग स्पीड और जो सिग्नल होते हैं टावर का, वो कैसे लाया जाए। अगर आपके एरिया में, आपके घर के आसपास अगर स्पीड नहीं है, जो डाउनलोडिंग स्पीड होता है वो बहुत ही कम है, मतलब 15 KB, 16 KB, 70 KB, 200 KB ऐसा है, और अपलोडिंग स्पीड भी बहुत कम है, जो 50 KB, 100 KB इस तरह का है, और सिग्नल भी बहुत वीक होता है, मतलब जो 5 काटा होता है उसमें से अगर एक दो आते हैं, तो उसे 5 कैसे किया जाए, वो जो टावर का सिग्नल है उसे 5 कैसे किया जाए। तो मेरे साथ भी वैसा ही हुआ था मेरे आसपास, तो फाइनली कल मैंने सोल्व कर दिया है। मतलब पहले जो 2 महीने पहले भी हुआ था, तब भी मैंने सोल्व किया था 2 महीने तक, फिर से उन लोगों ने अच्छा दिया। अचानक से कल जो था, कल सिग्नल वीक हो गया था, सिग्नल भी मतलब टावर का जो सिग्नल है वो एक आ रहा था, 5 के 5 जो होता है उसमें से एक आ रहा था, ऐसे जो ऐसे लंबा लंबा होते गया था उसमें से सिर्फ एक आ रहा था, और जो डाउनलोडिंग स्पीड है वो 5 KB, 10 KB, 20 KB, 30 KB इस तरह का हो गया, बहुत कम हो गया था, और अपलोडिंग स्पीड भी वैसा ही हो गया, 10 KB, 5 KB। मतलब कल कंप्लीटली वीक चला, कल का दिन सुबह से हो गया था ये। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैं आप लोगों को मोबाइल में लाइव दिखाऊंगा कि अब कितना स्पीड है कल के मुकाबले। कल सिर्फ 5 KB, 10 KB और सिग्नल भी सिर्फ एक आ रहा था, और अब कितना है। तो पहले तो ऐसा था तो मुझे भी घबराहट हो गई, अचानक से इतना कम कैसे हो गया। मतलब दो दिन पहले तक 5 MB, 10 MB दे रहा था डाउनलोड स्पीड, और अपलोडिंग स्पीड 2 MB, 3 MB तक दे रहा था पर सेकेंड। उसके बाद कल सुबह से अचानक से हो गया था 1 KB, 2 KB इस तरह का आ गया था, मतलब जीरो, मतलब इतना कम हो गया था, मतलब चला ही नहीं सकते थे। तो उसके बाद मैंने क्या किया, तो करना कुछ नहीं है, पहले आपको 198 में कॉल करना है। 198 होता है कॉम्प्लेन नंबर, कॉम्प्लेन नंबर होता है, पहले जियो का जो कॉम्प्लेन है आपको करना है। 198 में आपको काफी ऑप्शन दिए जाएंगे, 1, 2, 3, 4 ऐसे दबाओ, हिंदी में बात करना है, आपकी लोकल लैंग्वेज में बात करना है या इंग्लिश में बात करना है। तो पहले तो आपको हिंदी में चूज करना चाहिए, किंतु हिंदी में जो होता है तो आपको अच्छी तरह से बोल पाओगे, या कभी कभी वो मतलब हेडक्वार्टर या मुंबई तक आपका जो कॉल ट्रांसफर कर सकते हैं अगर हिंदी हुई तो, अगर लोकल लैंग्वेज होगी तो वो आपको इतना ध्यान नहीं देंगे, तो इसलिए पहले आपको हिंदी में चूज करना चाहिए। तो मैंने भी हिंदी में ही चूज किया है, क्योंकि मुझे हिंदी पसंद है, मैंने हिंदी ही चूज किया है। उसके बाद आपको 1, 2, 3 में वहां पे जो ऐसा क्लिक करना बोलते हैं, आपको ध्यान से सुनिएगा लाउड स्पीकर देखे, तो उसमें जैसे जैसे बोलते जाएंगे कि आपका एरिया में मोबाइल का डाउनलोडिंग स्पीड का प्रॉब्लम हो रही है, तो वहां पे आपको 1 या 2 उसमें से एक क्लिक करना पड़ता है। उसके बाद आपको रेफर करना है, मतलब क्लिक करना है कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के लिए, तो वहां पे बोलेंगे क्या आप हमारे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात करना चाहते हो, तो वहां पे आपको 9 में क्लिक करना है, 9 बोलते हैं कि आप हमारे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात करना चाहते हो, तो वहां पे आपको 9 में क्लिक करना पड़ता है। तो पहले आप वो करके कस्टमर केयर का जो एग्जीक्यूटिव है कॉल करके, फिर मतलब आप बता देगा, मतलब वहां पे क्लिक करके छोड़ मत दीजिएगा, वहां पे आपका एरिया में डाउनलोड स्पीड कम है, वहां पे क्लिक करके छोड़ मत दीजिएगा, आपको मास भी जो कस्टमर का ये एग्जीक्यूटिव है उनसे बात करना पड़ेगा पहले, आप कर दीजिएगा, उसे बोल दीजिएगा। आपको एक बार ही नहीं, 5-4 बार तक करना पड़ सकता है, मतलब आज आपने कॉल किया नहीं हुआ तो पिछले दिन, या सुबह किया तो आपको शाम को भी करना पड़ सकता है, तो ध्यान रहे आपको तब तक करते रहना है जब तक आपका जो एरिया का जो आपका जो नेटवर्क है ठीक नहीं हो जाता, और डाउनलोडिंग स्पीड और अपलोडिंग स्पीड आपको मिल नहीं जाता, तब तक आपको करते रहना है 5 घंटे 10 घंटे के बाद बाद कस्टमर केयर को। ये हो गया कस्टमर केयर का, और उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा कस्टमर केयर को करने से। उसके बाद आपको जाना है ट्विटर में, ट्विटर में जाके जो रिलायंस जियो का जो जहां पे भी पोस्ट डालते हैं वहां पे आपको नीचे जाके लिख देना है कि हमारे एरिया में नेटवर्क स्पीड भी अच्छा नहीं है, डाउनलोडिंग स्पीड, अपलोडिंग स्पीड कुछ भी अच्छा नहीं है, और आपको लाइव एक स्क्रीनशॉट मार के भी आपको दे देना चाहिए, ताकि वो लोग समझ सके कि हमारे एरिया में स्पीड नहीं है।
उसके बाद आप वहां पे पिन नंबर सिम नंबर भी लिख दीजिएगा, फोन नंबर वहां पे लिखने की जरूरत नहीं है। पहले आप पिन नंबर और आपका एरिया का जो एरिया है उसका नाम लिख दीजिएगा, आप कौन सी स्टेट से है, आपका गांव कौन सा गांव लिखने की जरूरत नहीं, जो आपका सेंटर है वो लिख दीजिएगा। पिन नंबर को अच्छी तरह से लिख देना। उसके बाद वो लोग मैसेज करेंगे, वहां पे आपको जाके आपका फोन नंबर जितना भी डिटेल से लिख देना, फोन नंबर इतना ज़्यादा भी लिखने की जरूरत नहीं, फोन नंबर और वैसा कुछ और स्क्रीनशॉट मार के दे देना नेटवर्क स्पीड कितना नहीं है। तो वहां पे आपको मैसेज सेक्शन में जाके वो करना है। अगर आपको वो लोग अपने तरफ से भी फोन कर सकते हैं, क्योंकि मुझे फोन किया था 2 बार, पहले मिस कॉल दिया था मुझे, मैं था नहीं तो वो मिस कॉल हो गया था, उसके बाद मैंने फिर बोला तो उन लोगों ने फिर कॉल कर दिया, मतलब 3 बार उन लोगों ने कॉल कर दिया। उसके बाद 3 नंबर बाद वो, लेकिन इनकमिंग कॉल है, वो आउटगोइंग नहीं होता है, वो उन लोगों की तरफ से कटे, वहां पे आउटगोइंग नहीं जा सकता है, वो ही कर सकेंगे आप नहीं कर पाओगे। तो वहां पे जब आपको कॉल करेंगे तो आप वहां पे डिटेल्स नहीं बोल देगा, क्योंकि वो हेडक्वार्टर से बोलते हैं, एकदम मुंबई का जो हेडक्वार्टर है रिलायंस जो का, वहां पे अगर आपने प्रॉब्लम सुना दी तो वहां पे सॉल्व होगा ही होगा। तो पहले वहां पे आपको, वहां पे अगर उन्होंने अगर आपको फोन कर दी तो वहां पे तो आधा प्रॉब्लम वैसे ही सोल्व हो जाए। तो आपको वहां पे डिटेल्स भी बता देना पड़ता है कि आपका एरिया में क्या है क्या नहीं है, डाउनलिंक स्पीड कब से कम आ रहा है कब से हो रहा है, तो आपको पिन नंबर भी बोलना पड़ता है और लोकेशन उन लोगों को पता चल ही जाता है। जब आप फोन से बातें करते रहोगे तो वहां से वो लोगों को लोकेशन पता चल ही जाता है आपके घर का। तो पहले आपको ये करना है, ये ही थोड़ी आपको करना रहे। जब तक आपका स्पीड नहीं आता है आपको ट्विटर में जाना है, और ट्विटर मेन है, ट्विटर में अगर प्रॉब्लम हो गया ट्विटर में ही ज़्यादा प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, कस्टमर केयर में इतना ध्यान नहीं देते। कस्टमर केयर में आप बोलोगे सुन के वो ऐसे छोड़ेंगे, ध्यान रहे कि आप ट्विटर में ज़्यादा ध्यान दें। अगर वहाँ से इनकमिंग कॉल आ गया, आपको इनकमिंग कॉल का पहला जो होता है वो 2-2 ऐसे शुरू होता है, वो अलग तरह का नंबर होता है, आप देखते ही नंबर समझ जाओगे 2-2-2, पहले ही 2-2-2 से स्टार्ट होता है, वो सिर्फ इनकमिंग कॉल ही आ सकता है, या 3-3-3 इस तरह का नंबर होता है। तो अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि नेटवर्क अब कितना आ रहा है और डाउनलोडिंग स्पीड कितना है, तो आप लाइव डेमो देख लीजिए और आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं। तो पहले आप सिग्नल देखिए, ये सिग्नल पहले वाला जो है वो रिलायंस जियो का है, मतलब 5 ही आ रहा था, अब पता नहीं 4 क्यों आ रहा है, वैसे 5 ही आ रहा था। देखिए सिग्नल कितना मतलब अच्छा हो गया, ये पहले आप सिग्नल से आपको पता चल गया होगा तो उन लोगों ने किस तरह से मेहनत की है। तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा टेस्ट करके, यहाँ पे मैं टेस्ट करता हूँ। यहाँ पे गुड गुड आ रहा है, देखिए सिग्नल क्वालिटी गुड गुड। देख रहे हैं आप स्पीड, देख रहे हैं कितना स्पीड आ गया है, ये डाउनलोडिंग स्पीड है। इसके बाद अपलोडिंग स्पीड देख लीजिए, अपलोडिंग स्पीड थोड़ा सा कम है लेकिन 2 MB तक आ जाता है। यहाँ पे सैटेलाइट का जो स्पीड, उन लोगों का जो टावर का स्पीड है वो दिखा रहे हैं, लेकिन जो ओरिजिनल में है वो वहाँ पे 2 MB तक आता है, और यहाँ पे जो 30 MB दिखा रहे हैं वो 10 MB 15 MB तक आ जाता है। तो आपको पता चल गया होगा कि वो किस तरह से वो लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए डाउनलोडिंग स्पीड 33 MB आ चुका है पर सेकेंड। यहाँ पे अपलोडिंग स्पीड आप देख रहे हैं कि लगभग लगभग 5 MB या 4 MB आ गया है। तो देख लीजिए, तो इस तरह से आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो कल तक तो मुझे 1 KB 2 KB मिल रहा था, तो आज देख लीजिए कितना आ गया है, 33 MB और यहाँ पे 4 MB। तो आप समझ गए होंगे तो आपको कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है।